आज इतना बड़ा विशाल रक्तदान शिविर किया गया राजेंद्र राठौड़ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं इस रक्तदान शिविर के आयोजक सत्येंद्र जी, विपुल जी और बाकी सब टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, टीम हिंदुस्तान को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना शानदार सुव्यवस्थित रक्तदान शिविर यहाँ लगाया है। दूसरा, ये पूरे प्रदेश भर में करीब 400 रक्तदान शिविर लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं करीब 65-70 हज़ार रक्त की यूनिट रक्तदाता देंगे। मेरे पिताजी करीब करीब पिछले 15 साल से रक्तदान देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि रक्त की कमी की वजह से कई लोग कालकल्पित हो जाते हैं। तो रक्त किसी फैक्ट्री में बनता नहीं है, जब तक देंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, एक इंसान की धमनी से दूसरे इंसान की धमनी में जाता है। तो इसलिए उन्होंने इसको एक मुहिम बनाया और उसी के तहत है कि आज पूरे राजस्थान भर में करीब 400 कैंप लग रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी पहले उपनेता प्रतिपक्ष थे, अब नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो आने वाले जो चुनाव में आपको क्या लगता है कि चुनाव जीतने के बाद अगर बीजेपी जीतती है तो क्या सीएम का चेहरा होंगे? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर कोई सीएम का चेहरा नहीं होता है, हमारी पार्टी में सीएम का चेहरा है कमल का फूल और आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। फैसला जो है वो आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और केंद्रीय नेतृत्व करेगा। आप भी जिस हिसाब से चुनाव में एक्टिव हो रहे हैं तो आने वाले चुनाव में क्या आप लड़ना चाहेंगे? जी नहीं, मैं अभी एक्टिव नहीं हो रहा हूँ, मैं करीब करीब पिछले 20-22 साल से इसी तरह से एक्टिव हूँ और जो मेरी भूमिका है वो यही है कि मैं पार्टी को मजबूत करूँ और मैं बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा। अच्छा, आप चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे लेकिन आपके पिताजी उपनेता प्रतिपक्ष से नेता प्रतिपक्ष बन गए, लोग कह रहे हैं कि आप भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लग रहे हैं? जी नहीं, हमारी पार्टी में परिवार का एक ही सदस्य सक्रिय राजनीति में रहता है और मेरे पिताजी अभी उनके पास बहुत समय है सक्रिय राजनीति में रहने के लिए। मैं व्यापार करता हूँ, उसी के साथ साथ जब समय मिलता है और ज़रूरत पड़ती है तो पार्टी को मजबूत करने के लिए समाज के बीच में आता हूँ। अभी राम किशोर मीणा जी ने आत्महत्या की, उन्होंने जो वायरल वीडियो बनाया उन्होंने, उनसे पहले महेश जोशी जी का भी नाम लिया जो मंत्री हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़ी दुखद घटना है कि कोई आदमी इस स्टेज पे इस स्थिति में आ जाए कि उसको अपना जीवन ख़त्म करना पड़े। और मैं ये सिर्फ महेश जोशी जी का नाम आना या उससे नहीं, मैं ये सभी जिम्मेवार पद पे बैठे लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारे को इस चीज़ के ऊपर अपना खुद का आकलन करना चाहिए कि हम ऐसी कोई हरकत नहीं करें जिससे कोई आदमी इतने दबाव में आ जाए कि उसको अपना जीवन ख़त्म करना पड़े। आपके फादर भी पहले मंत्री रहे हुए हैं, हेल्थ मिनिस्टर, और अब जो बिल लेके आए हैं RTH, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये RTH राइट टू हेल्थ बिल ड्राफ्ट हो रहा था उसके बाद में ये विधानसभा की कमेटी में गया इसको असेस करने के लिए, उसके अंदर मेरे पिताजी के कई ऑब्जेक्शंस उन्होंने रेज किए। सरकार ने भी ये बिल आनन फानन में लाई और उसके बाद में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पूरे राजस्थान भर के डॉक्टर्स को सड़क पे उतरना पड़ा और उसके बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो बिना सोचे समझे लाया हुआ बिल है और मैं ये मानता हूँ कि ये सरकार की नाकामी है कि इस तरह के बिना सोचे समझे फैसले सरकार लेती है। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम के बारे में सर कुछ बताएं कि यूनिट ब्लड यूनिट कैंप आप लोगों ने लगाया है विशाल रक्तदान, तो उसमें कितना यूनिट ब्लड अभी तक आ गया और क्या इसके पीछे का उद्देश्य है? इसके पीछे के सबसे पहले उद्देश्य तो ये है कि जो नए छात्र हैं वो ब्लड देना जाने, क्योंकि जो ब्लड की जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पूरे राजस्थान में अभी दोबारा कोविड के बाद में प्रारंभ हुई है, इसको लेकर एक जन जागृति के अभियान के रूप में राजेंद्र जी का जन्मदिन है, हमारे राजेंद्र जी राठौड़ विपक्ष के नेता हैं, उनका जन्मदिन है, तो इसको लेकर पूरे राजस्थान में करीब अंदाजन 10,000 के आसपास ब्लड मतलब ये जो अपने ब्लड डोनेशन कैंप उसमें हमारे पास इकट्ठा हो रहा है और लगातार पिछले ये मानो कि 10-12 दिन से ये सभी जिलों में चल रहा है। जैसे जयपुर में भी आज 7 जगह ये कैंप है और 7 जगह करीब अभी यहाँ पर 135-140 के आसपास आ गया, शाम तक करीब यहाँ पर 200 हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो कितना यूनिट ब्लड अभी तक इकट्ठा हो चुका है आपके यहाँ पर? 125 यूनिट ब्लड इकट्ठा हो चुका है। हम जब 2-3 दिन पहले यहाँ बैठे थे तो कैंसर के डॉक्टरों से बात हो रही थी, वैसे उन्होंने कहा कि कैंसर में कोई व्यक्ति आता है तो उसको 15-20 यूनिट कभी कभी चढ़ाना पड़ता है और ब्लड की पूर्ति ब्लड ही करता है। इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिसकी पूर्ति और दूसरी चीज़ कर ही नहीं सकती, ब्लड वाले रिक्वायरमेंट वाले व्यक्ति को ब्लड ही चाहिएगा। तो उन्होंने कहा कि हमको आप ब्लड दो जिससे कैंसर पेशेंटों के लिए उपयोग हो। हमने यहाँ आप देखोगे तो हमने यहाँ पर ब्लड बैंक गवर्नमेंट की बुलाई है जो ये ब्लड सीधा कैंसर पेशेंटों को जाने वाला है। और यहाँ पर जगतपुरा से
प्रताप नगर से, मानसरोवर से, और नर्सिंग जो यहाँ पे कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ के सारे लोग और वहाँ के सारे युवा नेता इसमें हमारी मदद कर रहे हैं और इस कैंप को सफल बनाने का प्रयास। नहीं तो जो और भी प्राइवेट जो डॉक्टर्स भी लेके जाते हैं, हॉस्पिटल्स भी ब्लड लेके जाते हैं, तो वो क्या कैंसर पीड़ित तक पहुँचता नहीं है, क्या प्रॉब्लम है उसका? मैं आपको एक लॉजिक सिखाता हूँ, मैं मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ। आप अपने घर से पहले खाना खाओ, कैंसर का पेशेंट इस हॉस्पिटल में आएगा, उसको रिक्वायरमेंट होगी, आपके ब्लड बैंक में होगा तो इजीली मिल जाएगा। बाहर से भी आदमी लाएगा, पर चार्ज भी होता है, आदमी के संघर्ष भी करता है। जैसे यहाँ मिलेगा तुरंत मिल जाएगा, उसको एक्सचेंज का पैसा देना पड़ता है बाहर। सरकारी हॉस्पिटलों में ये नहीं होता है। और ये कैंसर एक ऐसी डिजीज है, अपन प्रेडिक्ट भी नहीं करते कि 2 साल के व्यक्ति के भी कैंसर हो जा रहा है। आप जब यहाँ से निकल के जाओगे ना, तो हमारे अलावा जो भी व्यक्ति मिलेंगे वो कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड होंगे। इसलिए अपन ने ऐसा प्रयास किया कि मुझे जैसा लगता है सबसे अच्छा, अगर आप डोनेट ही करना चाहते हो तो रक्त डोनेट करो। अभी तक आप लोगों ने कितने यूनिट, मतलब कितने पैसे कैंप लगा चुके हैं आप? करीबन 650 के आसपास पूरे राजस्थान में कैंप लगे हैं अब तक, और जो आज का रिकॉर्ड है शायद आज 100 से ज़्यादा कैंप है पूरे प्रदेश में, 100 से ज़्यादा और है, तो लगभग 50,000 प्लस ब्लड डोनेशन होगा टोटल पूरे इसके मानव सेवा सप्ताह में। जो प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण योजना है उसके तहत मानव सेवा सप्ताह ये किया गया है। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष में पूरे प्रदेश में 15 अप्रैल से लेके और आज 21 अप्रैल तक उनका जन्मदिन है आज, अब तक 650 कैंप लग चुके हैं, उनमें करीबन 50,000 प्लस यूनिट्स ब्लड इकट्ठा होगा। नहीं, हम लोग जनरली आजकल देख रहे हैं कि जितने भी नेताओं के जन्मदिन आ रहे हैं उसी टाइम पे ब्लड यूनिट कैंप लगाए जा रहे हैं, तो क्या क्या उसके अलावा भी आप लोग लगाते हैं या फिर बाद में ये सिर्फ? नहीं, कोई नेताओं की नहीं, जब भी जरूरत पड़ती है, मान लो मानव सेवा के प्रति हम हर सामाजिक कार्य करते हैं, तो ब्लड डोनेशन कैंप तो हर तीसरे महीने हम लगाते रहते हैं प्रदेश में, जयपुर शहर में, काफ़ी हर जगह, वैशाली में, चारों तरफ खूब ब्लड कैंप लगाते हैं। और जितनी भी ब्लड बैंकें हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनका सहयोग रहता है। जब भी हम उनको फ़ोन करते हैं तो हमें जो गांवों से, दूर दराज से जो लोग आते हैं जयपुर में आके, और जो ब्लड के लिए उनको परेशानी होती है, वो हमें फ़ोन करते हैं, हम उनको डॉक्टर्स को, ब्लड बैंक को फ़ोन करते हैं, वो अवेलेबल करवाते हैं। इसी के लिए ये सारे ब्लड डोनेशन कैंप और ये लगाए जाते हैं। आज शाम तक आपको क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है कितने यूनिट ब्लड यहाँ पे 250 प्लस यूनिट एकत्रित हो जाएगा 100%। धन्यवाद।